पापा आज रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, जब मेरा नाम रोशन करना चाहो बेटे। पर पापा आपका नाम तो किशनलाल है। ओह नो, चुप, बिल्कुल चुप, सीधे जा। बैग लेकर देने जा रहा बेटा तुम? पापा मैं रिजल्ट देखने जा रहा हूँ, पढ़ने नहीं। मेरा बेटा अच्छे नंबर लाएगा। कोरोना काल में मोबाइल से उसने बहुत पढ़ाई की है। कितनी लगन थी उसमें पढ़ने को लेकर। रात को एक एक बजे तक पढ़ता था छत पर जाकर, क्योंकि नीचे उसे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी तो छत पर जाकर पढ़ता था। बेटा बताओ तो क्या हो गया, बता तो। तू हंस भी रहा है और रो भी रहा है, क्यों? पता नहीं ये कौन सी बीमारी आ गई, ये तो मुझे कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक लगती है। कोई बीमारी तो नहीं लग गई इसको? पता नहीं, हंस भी रहा है, रो भी रहा है। नहीं, बीमारी तो नहीं है ये, वो ज़्यादा खतरनाक लग रही है मुझे, उससे ज़्यादा खतरनाक लग रही है। पता नहीं नई बीमारी आ गई, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक हो। चिंटू की मम्मी, पापा मम्मी का क्या बोल रही है? तो बता ना क्या हुआ। पापा मैं फेल हो गया। फेल कैसे हो गया तू? रात को एक एक बजे तक तो पढ़ता था तू, हैं? कैसे हो गया फेल? ऊपर छत पर जाकर पढ़ता था फिर भी? पापा छत पर जाकर तो मैं फ्री फायर खेलता था, क्योंकि नीचे नेटवर्क नहीं मिलता था इसलिए मैं ऊपर जाकर फ्री फायर खेलता था। हाँ, तो इसमें हंसने की कौन सी बात है, हैं? इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की बात तो यह है। क्या बता, क्या है सच? लॉकडाउन चल रहा है, जनरल प्रमोशन मिल गया, हम सब पास हो गए। जनरल प्रमोशन मिल गया वो ठीक है, लेकिन यह खुशी तेरी परमानेंट खुशी नहीं है, यह सिर्फ टेम्पररी खुशी है। अब आगे चलकर अब मोबाइल का अच्छे से यूज करना, वरना बाद में बहुत पछताओगे। बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इस कोरोना काल में पढ़ाई बिल्कुल ठप हो चुकी है, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, इसलिए तुम औरों से आगे निकल सकती हो। अगर इस कोरोना काल का तुमने सही से यूज कर लिया तो आगे निकल जाओ बेटे, आगे जाओगे।